सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 18 जिसका नाम है आओ साथी वृक्ष लगाएं। ये एक कविता के माध्यम से बताया गया है। इसके जो कवि है वो है सुरेश कांत, जिन्होंने इस कविता में बताया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए ताकि हम पर्यावरण को शुद्ध बना सके, हमें ताज़ा हवा मिल सके। इसलिए इसमें कवि ने बताया है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है ये इस कविता में बताया गया है। आओ साथी वृक्ष लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं, वृक्ष हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि आओ साथी हम सब मिलकर वृक्षों को लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं। जहाँ पे वृक्ष कट गए हैं उस धरती पर हम वृक्षों को लगाकर उस धरती को हम हरी भरी बनाएं, क्योंकि वृक्ष लगाने से हरियाली फैलती है, इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन दाता, वृक्ष से ही हमारा जीवन चलता है, क्योंकि वृक्ष से जो हमें प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन गैस, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर वृक्षों की कटाई कर दी जाए तो हमें प्राणवायु गैस नहीं मिल पाएगी और जिससे कि हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए भी हमें वृक्ष लगाना चाहिए। यही हमारे भाग्य विधाता और यही हमारे भाग्य को बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षों से वर्षा आती है, वृक्षों पर बदली छाती है, उजड़े उपवन पुनः सजाए, आओ साथी वृक्ष लगाए। अब वृक्षों से वर्षा आती है क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे तो तेज हवाएं चलेगी, हवाएं चलने से समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में जाता है और जिससे बादल बनते हैं और बादलों के कारण ही वर्षा होती है, तो वृक्ष वर्षा करने में सहायक होते हैं, इसीलिए हम वृक्ष लगाएंगे तभी वर्षा होगी। वृक्षों पर बदली छाती है और वृक्ष के कारण ही मैंने भी बताया आपको कि बादल बनते हैं, है ना। समुद्र का पानी जब भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तो वो बादलों के रूप में हो जाता है और फिर वही बादल ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो वही बादल फटते हैं और फिर बारिश होती है। उजड़े उपवन पुनः सजाए, जहाँ पर वृक्ष कट गए हैं तो वहाँ पर हम वृक्ष लगाकर उस उजड़े उपवन को वापस सजाएं। आओ साथी वृक्ष लगाएं, इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को लगाएं। वृक्षों ने पशुओं को पाला, वृक्षों ने ईंधन दे डाला, औषध का भंडार वृक्ष है, ममता का आगार वृक्ष है, बीच बीच में फूल उगाए, आओ साथी वृक्ष लगाए। अब वृक्षों ने पशुओं को पाला, हम देखते हैं ना पशु पक्षी जो होते हैं वो वृक्षों की घास और ये सब खाते हैं, तो वृक्ष ही पशुओं का पालन पोषण करते हैं। वृक्षों की अगर कटाई कर दी जाएगी तो पशु भी भूखे मर जाएंगे, इसीलिए भी हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्षों ने ईंधन दे डाला, हम देखते हैं कि जो वृक्ष सूख गए हैं उनको काट लिया जाता है, उससे जो लकड़ी मिलती है उसी लकड़ी से ईंधन जलाया जाता है। हम देखते हैं ना गाँव में कि चूल्हे जलाए जाते हैं तो उसमें लकड़ी से ही चूल्हे जलते हैं, इस प्रकार वृक्ष ईंधन को जलाने के लिए भी उपयोगी माने गए हैं। औषध का भंडार वृक्ष है, कई पेड़ों से औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है, तो इस प्रकार ये जो वृक्ष है ये औषध का भंडार कहे गए, औषध का दवाइयों का खजाना कहे गए हैं। ममता का आगार वृक्ष है, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को अपनी ममता में रखती है उसी प्रकार अगर गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि हम कहीं जाते रहते हैं और हमें कोई एक वृक्ष मिल जाता है तो हम उसकी छाँव में जाकर बैठ जाते हैं, वो जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है उसी प्रकार वृक्ष भी अपनी ममता से हमें पालते हैं। बीच बीच में फूल उगाए, और इस प्रकार हम जहाँ पर भी बची हुई जमीन है या हम पेड़ पौधों को हम गमलों में भी लगा सकते हैं तो हम बीच बीच में फूलों को भी
लगाएं। आओ साथी वृक्ष लगाएं, हम सब मिलकर इन वृक्षों को लगाएं। ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चे सब मिलके वृक्षों को लगा रहे हैं सड़कों के किनारे, है ना। तो आपको भी अपने हर साल एक कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए जिससे कि हमें ऑक्सीजन गैस मिल सके और वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सके। शीतल वृक्षों की हरियाली, वृक्षों से सबकी खुशहाली, मन को खुश करती हरियाली, खुशियों को भरती हरियाली, वन प्रांतर को सुखद बनाए, आओ साथी वृक्ष लगाए। वृक्षों से हमें शीतल हवा मिलती है ना, और हरियाली भी दिखाई देती है। जितने वृक्ष हम लगाएंगे उतनी हरियाली हमारे पास रहेगी। वृक्षों से सबकी खुशहाली, और वृक्ष लगाकर हम सबको खुश भी रख सकते हैं। मन को खुश करती हरियाली, जब हम हरियाली देखते हैं तो हमारा मन भी खुश हो जाता है, इसीलिए हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। खुशियों को भरती हरियाली, हरियाली जो है वो हमारी खुशियों को बढ़ाती है, इसीलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। वन प्रांतर को सुखद बनाए, जो निर्जन वन है उनको हम वृक्ष लगाकर अच्छा बनाए, हरियाली को हम लाए और वन को हम सुखी बनाए। आओ साथी वृक्ष लगाए, हम सब मिलकर वृक्षों को लगाए। तो हमें इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए, और जहाँ पर वृक्षों की कटाई हो चुकी है उस जगह पर भी हमें वृक्ष लगाकर उस भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसका नाम था आओ साथी वृक्ष लगाए। सबसे पहले इसके शब्दार्थ है जीवन दाता, इसका मतलब होता है जीवन देने वाला। भाग्य विधाता, किस्मत या भाग्य बनाने वाला। उपवन, इसका मतलब होता है बगीचा। पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर या दोबारा। औषध, औषध का मतलब होता है दवा। भंडार, भंडार का अर्थ होता है खजाना। ममता, माँ का प्रेम या प्यार या लगाव। आगार, आगार का मतलब होता है स्थान, जगह या खजाना। प्रांतर, प्रांतर का अर्थ होता है निर्जन पथ। ईंधन, ईंधन का मतलब होता है जलाने की लकड़ी या जलावन। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, औषध का भंडार वृक्ष है, ममता का आगार वृक्ष है, शीतल वृक्षों की हरियाली, वन प्रांतर को सुखद बनाए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वृक्षों से डैश आती है, क्या आती है वर्षा। उजड़े डैश पुनः सजाए, किसको सजाए उपवन। वृक्षों ने डैश को पाला, किसको पाला पशुओं को। वृक्षों से सबकी डैश, क्या होती है वृक्षों से सबकी खुशहाली। अगला प्रश्न है अति लघुत्रीय प्रश्न, इसका पहला है सूखी धरती को हरी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है सूखी धरती को हरी बनाने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है बरसात के लिए वृक्ष क्यों जरूरी है। उत्तर है क्योंकि वृक्षों से ही बरसात होती है, इसलिए बरसात के लिए वृक्ष जरूरी है। अगला प्रश्न है वृक्ष को किसका भंडार कहा गया है। उत्तर है वृक्ष को औषधि का भंडार कहा गया है। अगला प्रश्न है अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ वृक्षों के नाम लिखिए। उत्तर है हमारे परिवेश में पाए जाने वाले वृक्ष निम्न है, नीम, पीपल, आम, अशोक आदि। अगला प्रश्न है लघुत्रीय प्रश्न, इसका पहला है वृक्षों की उपयोगिता बताइए। उत्तर है वृक्ष से हमें फल, फूल, लकड़ी मिलते हैं, वृक्ष से वर्षा होती है, वृक्षों से औषधि बनती है, वृक्षों से हरियाली होती है, और वृक्षों से ही हमें प्राणवायु मिलती है। अगला प्रश्न है वृक्षों की देखभाल के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर है वृक्षों की देखभाल के लिए वृक्ष की कटाई को रोकेंगे तथा वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष में पानी डालेंगे,
ताकि वो वृद्धि कर सके। अगला प्रश्न है, उजड़े उपवन पुनः सजाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उजड़े उपवन पुनः सजाए का आशय है जो पेड़ कट गए हैं उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए। अगला प्रश्न है, वृक्ष को ममता का आगार क्यों कहा गया है। उत्तर है, क्योंकि वृक्ष थके हुए राहगीर को छाया देता है तथा अपनी ममता से उसे शांति पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। इसका पहला है, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, तो ये वाक्य सही है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है, वृक्ष से हमें औषधि प्राप्त होती है, ये भी सही है। हमें वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, ये गलत वाक्य है। वृक्ष से वर्षा होती है, ये भी सही वाक्य है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। वन का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल। आगार का पर्यायवाची क्या होगा? खजाना। फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प। वृक्ष का पेड़, बादल, वारिद, धरती, धरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है जीवन, जीवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु। भाग्य, भाग्य का विलोम दुर्भाग्य। सुखद, दुखद। उजड़ा, निर्माण। ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। आपको भी इस पाठ में जिस प्रकार बताया गया है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, तो आप भी इसी प्रकार वृक्षों को लगाएंगे और उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।